गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज वफ़ावर महमूदर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिफोर एनी इवेंट टेक्स प्लेस एंड आई हैव टू गेट रेडी फॉर द इवेंट व्हाट आई यूजुअली डू। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कामेस्ट इवेंट बिकॉज आई नो एवरीथिंग इज जस्ट ऑर्गेनाइज, हर चीज रेडी है और मैं सिर्फ रेडी होने के लिए वापस आई हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर इज दिस ब्लैक सूट। ये थ्री पीस सूट है, इसको मैंने अभी आयरन करवाने के लिए भिजवाना है। आई नीड टू गेट शावर, लेकिन शावर से पहले क्या मैं करती हूँ और उसके बाद किस तरह से रेडी होंगी, दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट दैट। दिस इज अ मिरेकल ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन एंड एनीवन जिसकी हेयर कंडीशन थोड़ी सी मेरे जैसी है, स्पेशली जिनके ऑयल फ्लेक्स और डैंड्रफ की वजह से ना फ्लेक्स वगैरह हो जाते हैं। यू डोंट नीड टू डू अ लॉट, बहुत ही सिंपल सा ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड 7% एक्सफोलिएटिंग टोनर जस्ट ऐड बिफोर यू गो इनटू द शावर। 15 मिनट्स तक जो है ना इसको जो है आप रहने दें, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑयलिंग इतना ज़्यादा नहीं करती, स्कैल्प बहुत ड्राई रहता है। दिस हैज़ बीन अ मिरेकल ट्रीटमेंट फॉर मी, इट सेव्स मी फ्रॉम डूइंग टेकिंग द शावर्स एवरी डे, लाइक शावर बाय शावर आई मीन हेड वॉश। बट ये कि एक दिन चल जाते होते हैं, वरना सुबह शाम मुझे बस शावर ही करना पड़े, मेरे बाल इतने ऑयली हैं। सो आई ऑलवेज कीप अ फ्यू थिंग्स इन माई बैग जो मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ। दिस इज माई ट्रैवल बैग जिसके अंदर मैं अपनी सारी चीजें रखती हूँ। दैट्स द मेकअप थिंगी, दैट्स ऑल माई सीरम्स, सीरम्स के अलावा हेयर स्प्रे, हीट प्रोटेक्शन, ब्लो ड्रायर्स, ये सब चीज़ें मैं अपने साथ रखती हूँ। द स्ट्रेटनर इज ऑन एज वेल, सो जरूरी इसलिए होता है कि आपने कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं करनी। I've got my scrub pad, ये बहुत ईजी रहता है आपके लिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो। एंड what am I missing? I'm missing on to anything, but before I go into the shower, I just make sure कि pre shower treatment जो है ना वो आपकी ready हो। And now let's start it. So I have applied glycolic acid और ये wet brush मैं use करती हूँ for even like जब मैं ऑयल कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद फिर एंड आई हैव टू ड्राई माई हेयर। दिस वन वर्क्स लाइक अ मिरेकल क्योंकि इसके अंदर स्पेसेस हैं, तो आपका जो ब्लॉकेज है ना वो बालों के साथ जो है एयर फ्लो का वो बहुत कम होता है। आई ऑलवेज कीप माई शैम्पूज एंड कंडीशनर्स इन दीज बॉटल्स, दे आर सील्ड, बहुत कन्वीनियंट रहती हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आपने इसको वॉशरूम में कहीं पर मिरर के साथ ऐसे लगाना है तो ऐसे चिपक जाते हैं। प्लस दे हैव लिटिल स्क्रबी थिंग, तो वो भी आप बड़ा इजीली इसको यूज कर सकते हैं। एंड स्क्रब बाय स्क्रब मींस एक्चुअल एक्सफोलिएटिंग स्क्रब, जो कि आप अपनी बॉडी के लिए हमेशा भूल जाते हैं। डोंट फॉरगेट दिस एंड यूज इट। एंड बाय द वे, इफ यू हैव बॉडी ओडोर इश्यूज, इफ यू हैव डार्क नीज, डार्क एल्बोज, दिस ग्लाइकोलिक एसिड वर्क बेस्ट ऑन दैट। आप अप्लाई करें, दिस इज गोइंग टू टेक आउट ऑल द बैक्टीरिया, इट्स गोइंग टू किल आउट द बैक्टीरिया एंड टेक आउट ऑल द ओडोर। दैट्स हाउ इट वर्क्स, लर्न द साइंस एंड इट्स गोइंग टू मेक योर लाइफ इजी। सो शूज के लिए मेरे पास दो डिफरेंट ऑप्शन हैं। ये तो जो मैंने पहने हुए, ये तो मैं वैसे पहन के जाऊंगी क्योंकि आई डोंट लाइक वेयरिंग हील्स बिकॉज समटाइम्स दे आर नॉट कम्फर्टेबल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ब्लैक ऑफ कोर्स, लाइक दीज लुक कॉर्पोरेट, दीज लुक सेमी फॉर्मल, सो ये कंफर्टेबल हैं, वो भी कंफर्टेबल है लेकिन आगे से पॉइंटी हैं। लेट मी सी व्हाट वर्क्स फॉर मी। ओके, सो आफ्टर द शावर आई यूजुअली डोंट वेयर माय ड्रेस एज इट इज, क्योंकि जब तक कंप्लीट आपकी मेकअप की लुक ना होना तो समझ में नहीं आता कि ड्रेस सही लग रहा है कि नहीं। बट ऑफ कोर्स आई कैन नॉट डू दिस, सो आफ्टर शावर आई ऑलवेज यूज अ डिओड्रेंट, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। आई यूज दिस फ्रॉम निविया प्योर आलम के साथ है, इट्स गुड। इसके साथ साथ मॉइस्चराइज करना कभी नहीं भूलना, ऑलवेज ऑलवेज यूज अ गुड मॉइस्चराइजर। दिस इज, मुझे पता नहीं क्यों, बस आई लव विक्टोरिया सीक्रेट्स एनीथिंग। सो वेलवेट पैलेट का बहुत ही इसकी सटल सी लेकिन बहुत ही इसका अच्छा टेक्सचर भी है, सेंट भी बहुत अच्छी है। एंड द ओनली फेवरेट थिंग दैट आई कैन अप्लाई, मुझे ज़्यादा हैवी सेंट से जो है वो स्नीजिंग शुरू हो जाती है, आई एम एलर्जिक टू स्ट्रॉन्ग सेंट्स, बट दिस इज एवरी वंस फेवरेट एंड दिस इज माई फेवरेट। सो किसी भी इवेंट के लिए हो, आई ऑलवेज गो फॉर दिस। एंड माई फोन इज रिंगिंग, सो इवेंट आना था ना तभी ये पिम्पल आ गया है विदाउट एनी रीजन, बट इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। आई हैव बीन ट्रैवलिंग अ लॉट, आई डिड नॉट ड्रेस प्रॉपरली एंड मे बी हैव बीन वेयरिंग मेकअप सिंस
डेज और मैंने उतारा नहीं था सही तरीके से डबल क्लेंस करके. सो आफ्टर आई एम डन विद माय वेट हेयर, थोड़े से एयर ड्राई होने चाहिए, बिल्कुल ड्रिपिंग वेट नहीं होने चाहिए. एंड देन आई यूज दिस लीव इन कंडीशनर, दिस इज फ्रॉम मंडे, रिपेयर लीव इन कंडीशनर प्लस केराटिन फ्रॉम ड्राई टू डैमेज हेयर. और इसका तरीका भी मैं आपको वो बता देती हूँ. एंड ऑफ कोर्स नॉट सॉरी फॉर द मेस, बट इसीलिए मेस तो होगा भाई. फिर बात होती है कि आपने इसको क्लीन साथ साथ करते रहना. इतना ज्यादा टिप्स पे स्पेशली जो है टॉप अपने रूट्स पे जो है उसको ना अप्लाई करें, बट क्योंकि मेरी जो फ्रंट से जो एरिया है ना वो हमेशा बड़ा खराब रहता है. सो नाउ आई एम अप्लाइंग इट थरली ऑन माय हेयर ताकि स्पेशली जो स्प्लिट एंड्स है ना वो उसके कम हो. माई हेयर हैव ऑलवेज बीन थिन, सो मुझे कभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती गिर रहे हैं ये हो रहा है. बहुत ज्यादा गिरे तब प्रॉब्लम होती है, बट ये कि आप थोड़ा थोड़ा ख्याल रखते रह करें. अब जिस तरह से मैंने लीव-इन कंडीशनर लगा लिया है तो इट हैज एडेड इटसेल्फ अ लेयर ताकि बहुत ही जब ही डैमेज है वो ना हो. एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन आई फॉरगेट, चीजें गिरनी शुरू हो गई थी, दिस ट्रेसमे स्मूथ केराटिन. मुझे कोई और अभी मिला नहीं था, मैंने यही यूज करना शुरू कर दिया. अभी बहुत ड्रिपिंग वेट है तो मैं अभी अप्लाई कर सकती नहीं हूँ, थोड़ा सा वेट करती हूँ और उसके बाद फिर आपको मैं तरीका बता देती हूँ कि कैसे इसको अप्लाई करना है. इसको मैं साइड पर रख देती हूँ. आपको ये देखिए सिर्फ ये किया, दैट्स इट. नो, आपने अपने बालों को इस पूरे स्प्रे से कवर करना है, ठीक है? तो इट मीन्स कि जैसे जैसे आप बाल उठाते जाएंगे सबको कवर करना है, सारे स्ट्रैंड्स को कवर करना है, सारे बालों को आपने प्रोटेक्ट करना है ना, सिर्फ टॉप के नहीं. ओके, और यू हैव टू लेट इट ड्राई, एब्जॉर्ब हो जाए और उसके बाद फिर से आप जो है ना एक राउंड करें, तब आपके बाल प्रोटेक्टेड रहेंगे यूजिंग एनी ऑफ द हेयर प्रोटेक्टर. हार्लॉनिक एसिड और उसके बाद माय मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर. Enjoy the music. टॉप से स्ट्रेट करने पड़ते हैं, ताकि स्ट्रेट हेयर में आफ्टर प्लान कर रहे कॉर्पोरेट इवेंट है, ज्यादा फैंसी नहीं लेकिन आई एम ऑलवेज फॉरगेट टू अप्लाई दिस कॉन्टर, दिस इज द बेस्ट, बट इसका ये शेड जस्ट गिव मी द परफेक्ट बैलेंस ऑफ हाईलाइट.